हाईकोर्ट के इमरान खान को शाम 5 बजे तक पेश होने की मोहलत। इमरान खान को 2 बजे तलब किया था, अब तक पेश क्यों नहीं हुए? उन्हें तो ही अदालत का नोटिस जारी कर देते हैं, वो ठीक होकर 3 हफ्ते में जवाब जमा करा दें। जस्टिस तारिक सलीम शेख के रिमार्क, हाईकोर्ट ने केस की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत के बाहर आरसी व्हीलचेयर स्लाइड लगा दी गई है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इमरान खान के अलावा तमाम केसेस की लिस्ट मंसूख कर दी है, बकिया तमाम केसेस में तारीख बाद में दी जाएगी। इमरान खान की हाईकोर्ट पेशी के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल। इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए एलीट फोर्स की गाड़ी जमान पार्क पहुंच गई। जैम्पर गाड़ी की जमान पार्क गेट नंबर 2 पर पहुंचा दी गई है। इमरान खान की रहायशगाह के बाहर से कारकुनान को भी हटा दिया गया। जमान पार्क में पीटीआई कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। किनार रोड पर ट्रैफिक का दबाव, गाड़ियों की लंबी कतारें लगा दी गई। इमरान खान की गाड़ी को अंदर जाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया, बस तहरीरी इजाजत का इंतजार है। वकील हसन न्यासी कहते हैं, तहरीरी इजाजत मिलते ही इमरान खान जमान पार्क से रवाना हो जाएंगे। इमरान खान की जाती सिक्योरिटी टीम का हाईकोर्ट का दौरा, टीम ने हाईकोर्ट में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। हाईकोर्ट पेशी से कबल चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जेर सदारत मुशावरती इजलास तलब कर लिया गया। पार्टी रहनुमाओं का इमरान खान की सिक्योरिटी से मुतालिक तहफ्फुज़ात का इजहार। सिक्योरिटी तहफ्फुज़ात दूर ना होने पर पार्टी रहनुमाओं का हाईकोर्ट पेश ना होने का मशवरा। लाहौर हाईकोर्ट में वकला और पीटीआई कारकुनों की नारेबाजी। अदालत के बाहर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। जमान पार्क में भी पीटीआई कारकुनान पुलिस एहलकारों से उलझ पड़े। कारकुनों की पुलिस एहलकारों के साथ तल्ख कलामी और धक्कम तेल। दहशतगर्दी का मुकदमा, इमरान खान की हिफाजती जमानत की नई दरख्वास्त तैयार। इमरान खान के वकला सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद हाईकोर्ट से रजू करेंगे। सिक्योरिटी मामूलात और व्हीलचेयर ना होने से अदालत पहुंचने में ताखीर हुई। अदम पैरवी की बुनियाद पर हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। दरख्वास्त में मौकिफ। अक्टूबर में इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर पुरअमन एहतजाज किया। इमरान खान दूर दूर तक एहतजाज में मौजूद ही नहीं थे। इमरान खान पर दहशतगर्दी का केस बनाना बहुत बड़ा मजाक है। पीटीआई रहनुमा असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले हुकूमत इमरान खान और पार्टी क्यादत को पकड़ने में मसरूफ है, इस तरह निज़ाम में बेहतरीन नहीं आ सकती। पंजाब में पीटीआई के एमएनएस को डीनोटिफाई करने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल। हाईकोर्ट ने पंजाब के एमएनएस की हद तक ज़िमनी इंतखाबात भी रोक दिए। पीटीआई के 70 अराकीन असेंबली के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। स्पीकर ने नोटिफिकेशन के मामले पर 7 मार्च को समाअत होगी। अदालत ने आइंदा समाअत पर इलेक्शन कमीशन समेत फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। हाईकोर्ट ने निगरान हुकूमत के इख्तियार से मुतालिक फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने निगरान हुकूमत के अख्तियार से मुतल्लिक केस निपटा दिया। जस्टिस अली बाकर नचवी की सरबराही में लार्जर बेंच ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्जामात अमूमी नोयत के हैं। किसी अफसर से मसला है तो इलेक्शन कमीशन से सबूतों समेत राब्ता किया जाए। तहरीरी फैसला। इलेक्शन से मुतालिक सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। कानून के मुताबिक इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं। इलेक्शन की तारीख से मुतालिक सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अपील में इस्तदा। सदर पाकिस्तान को इलेक्शन की तारीख देने के लिए हुक्म जारी करने की दरख्वास्त पर समाअत। रजिस्ट्रार ऑफिस का इसी नोयत की अपील डिवीजन बेंच के रूबरू ज़ेर समाअत होने का एतराज़। हाईकोर्ट ने ऑफिस एतराज़ बरकरार रखते हुए दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। सदर का इलेक्शन की तारीख देने से कोई लेना देना नहीं। आरिफ अली, आप बैल मुझे मार वाले काम ना करें, आईन की हद में रहें, सदर के दफ्तर को ब्लैक मेलिंग का अड्डा ना बनाएं। वजीर दाखिला राना सनाउल्ला ने सदर मुमलिकत आरिफ अली को खबरदार कर दिया।
अदलिया को मुतना से बनाने पर वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्ला के खिलाफ तोहीन अदालत की दरख्वास्त। अदलिया को मुतनाज़े करने की कोशिश की जा रही है। दरख्वास्त गुजार के वकील का बयान, आप परेशान ना हो, हम इसको संभाल लेंगे। जस्टिस आबिद अजीज शेख के रिमार्क्स, लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त का काबिले समाअत होने से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया। ये पाकिस्तान का भी वही हाल करना चाहते हैं जो मुर्शिद का हुआ। हम पर मुकदमात बनाने से अगर मुल्क तरक्की करता है तो दो दर्जन और बना लें। ये जो कुछ कर रहे हैं इसका आवाम को जवाब भी देना है। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू। जेलें ऐसे नहीं भरी जाती। जेलों के लिए एक जज्बा होता है, एक आपके सामने एक मंजिल होती है। इक्तदार से निकल जाओ तो जेल भरो। जेलों तो उन लोगों ने भरी जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान बनाना है। इस मुल्क का निज़ाम उस वक्त बेहतर होगा जब हम सूद से छुटकारा पाएंगे, मुआशी हालात हमारे तब बेहतर होंगे। जेल भरो तहरीक के लिए जज्बा होता है, एक मंजिल होती है। ऐसा नहीं होता कि मुझे इक्तदार से निकाल दिया तो जेलें भर दो। एक शख्स को पनामा में बुलाकर अकामे पर निकाल देते हैं। इस मुल्क को नवाज शरीफ की ज़रूरत है तो नवाज शरीफ को भेजा ही क्यों। इंतशार अंगेज तकरीर केस में रहनुमा मुस्लिम लीग कैप्टन रिटायर्ड सफदर जिला कचहरी में पेश। अदालत ने मुसद्दक अब्बासी को सामने तफ्तीश करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इमरान खान साहब के साथ डट के खड़ा हूँ। मैं इंशाल्लाह इनका मुकाबला करूंगा। मैंने बेल नहीं करवाई, गाड़ी के अंदर अपना बैग साथ लेके आया हूँ। अगर मुझे जेल में डालेंगे तो भी मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। नैब के पास पूछने के लिए कोई सवाल नहीं था। इनकी परेशानी से लगता है किसी के दबाव पर काम कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा अली अफजल साही की नैब ऑफिस में पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं। इमरान खान के साथ डट कर खड़ा हूँ, जेल में भी डालेंगे तो मुझे कोई डर नहीं। काफ़ली के पार्टी इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ना लगाने का केस। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दाखिल करने और हिदायत लेने के लिए मोहलत मांग ली। हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी मौका। अदालत ने समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी। पुलिस पर हमला और दहशतगर्दी की दफाक के तहत दर्ज मुकदमात का केस। पीटीए रहनुमा शबीर गुजर समेत चार मुलजिमान की अबूरी जमानत में 24 फरवरी तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी ऑफिसर से रिपोर्ट तलब कर ली। एंटी करप्शन में तकरार तबादले। डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस सादिया नवाज का तबादला। डायरेक्टर RD&T बलाल सरोया, डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस तायना, सादिया नवाज और अहमद हबीब अरफानी को एंटी करप्शन हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने का हुक्म। डीजी एंटी करप्शन पंजाब ने कमांड जारी कर दिए। पंजाब पुलिस के तीन अफसरान की जिम्मेदारियां, खैबर पख्तूनख्वा के सपोर्ट। DIG ट्रेनिंग पंजाब नासिर महमूद का खैबर पख्तूनख्वा तबादला। SP नसीबुल्ला खान और अरसलान शाहजेब का भी खैबर पख्तूनख्वा तबादला कर दिया गया। सातवीं डिजिटल मर्दमशुमारी के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने इंतजाम के हवाले से रियल टाइम प्रोग्रेस शीट बना दी। DC राफिया हैदर का टैबलेट्स की तकसीम तेज करने का हुक्म। कहती हैं, मर्दमशुमारी में कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफसरान खुद फील्ड में मॉनिटरिंग करेंगे। LWMC की 10 रोज़ा ज़ीरो वेस्ट मुहिम मेरा सोना लाहौर का 5वां रोज़। CEO LWMC बाबरदीन का शालीमार टाउन का दौरा। शादबाग में सफाई के नाकस इंतजामात पर जोनल ऑफिसर वसीम अनवर मुअत्तल। शालीमार टाउन में सफाई इंतजामात बेहतर बनाने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम। महकमा बल्दियात के ज़ेर इंतज़ाम हॉर्स एंड कैटल शो की तैयारियां जारी। मार्च में होने वाले हॉर्स एंड कैटल शो के लिए कमेटियां नोटिफाई कर दी गईं। 16 कमेटियों के भी नोटिफिकेशन जारी। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के कन्वीनर कमिश्नर लाहौर होंगे। लाहौर फजाई आलूदगी की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 193 रिकॉर्ड। कैंट 357 AQI के साथ सर फहरिस्त। कोटलत पर 207, इकबाल टाउन में 198 AQI रिकॉर्ड।
सूरज और बादलों में आंख मचलोली, लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान, हवा में नमी का तनासुब 77% रिकॉर्ड, महकमे मौसमियात की 24 घंटे में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई।